बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक न्यू चीज लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। ये LG कंपनी का इस मरतबा नॉनस्टिक सेट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। LG कंपनी से सारा पाकिस्तान वाकिफ है कि बहुत अच्छी कंपनी है, और इसकी जो बाकी भी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो इंशाल्लाह उस कंपनी का एक नया नॉनस्टिक सेट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इसका नॉनस्टिक सेट है LG कंपनी का, ये डबल एल सदीक वालों का, ठीक है। अगर इसके अंदर पीसों की बात कीजिए तो इसके अंदर 15 पीसेज हैं, जो कि बाकायदा इसके डिब्बे के ऊपर मेंशन है, ठीक है। और अगर इसके सेट के वेट की बात कीजिए तो इसके सेट का वेट भी बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताएंगे भी कि इसके अंदर पीस हैं कौन कौन से, इसके अंदर इसको यूज़ कैसे किया जाता है और इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके आपको पतीले दिखाता चलूँ कि इसके अंदर तीन किस्म के पतीले हैं। ये इसके अंदर तीन पतीले हैं, ठीक है। ये तीन साइज हैं पतीलों के, ठीक है। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी है, आप इस्तेमाल करेंगे आपको पसंद भी आएगी कि ये नॉनस्टिक की ओरिजिनल क्वालिटी है। और ये मैं आपको बात जो मेन बात है बताता चलूँ कि ये सेहत के लिहाज से आप जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं, गैर महफूज नहीं, इंशाल्लाह महफूज है। और जो इसका पेंट है वो भी रजिस्टर शुदा है हुकूमत पंजाब की तरफ से। और सेट की ओरिजिनल की बात करूँ तो ये देखें, ये स्टैंप आप देख सकते हैं कि ये LG का ओरिजिनल सेट है, ये लोकल नहीं है, ठीक है। ये रजिस्टर शुदा कंपनी है जिसका ये सेट है, ये चीज़ है। और इसके बाद अगर इसकी कढ़ाई की बात की जाए तो 32 सेंटीमीटर की इसकी कढ़ाई है, ठीक है। ये साइज है इसकी कढ़ाई का, ये देखें, बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके साथ कढ़ाई है इसके, और इसके साथ ये सॉस पैन है जो चाय बनाने के लिए मुमन यूज़ किया जाता है। ये भी मुनासिब साइज़ है, जो कि 7 से 8 अफराद की तकरीबन इसमें चाय बन जाती है, ठीक है। एक फैमिली के लिए बहुत साइज़ है, मुनासिब साइज़ है। और ये इसका तवा है, ये चीज़ है तवे की, आप देख सकते हैं। और ये इसके साथ फ्राई पैन है, ये 3 चम्मच है और ये इसके साथ फ्राई पैन है, ठीक है। और इसकी खास बात यह है, इसकी खास बात यह है कि अगर इसका शीशे का जो इसका ढक्कन है ना, ये देखें, ये जो शीशे का ढक्कन है, अगर ये खुदा ना खास्ता आपके हाथ से गिर भी जाता है ना, तो इसकी ब्रेकिंग वगैरह नहीं होगी, आप इसे जैसे मर्जी गिराएं कोई इसका मसला नहीं। ये देखें, आप इसे जैसे मर्जी गिरा के चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो शीशा इस्तेमाल किया गया है, ये देखें, ये मोटी प्लाई का शीशा इस्तेमाल किया गया, आप बेफिक्र होकर इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं नॉनस्टिक आपके जो मेन बात है वो बताता चलूँ कि नॉनस्टिक बर्तन इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है कि एक तो इसका वेट लाइट होता है, उठाने में इजी होता है, रखने में इजी होता है, और दूसरी बात यह है कि इसके जो नॉनस्टिक का बर्तन है इसके अंदर ऑयल आपका बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। मिसाल है कि अगर सिल्वर स्टील के बर्तन में से ना, इसके अंदर तकरीबन 80% जो ऑयल है वो कम यूज़ होता है सिल्वर स्टील के बर्तन की निस्बत, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपने इसकी जो यूजिंग के हवाले से मैं आपको बात बताता चलूं कि इसके अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करना है, जो कि बाकायदा इन्होंने दिया हुआ है, ये देखें, यहाँ प्लास्टिक का चम्मच ने आपने यूज़ करना है या इसके साथ लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है, ठीक है। अदरवाइज आपने इसके अंदर कोई चम्मच नहीं यूज़ करना, उसकी वजह यह है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी दूसरा चम्मच यूज़ करेंगे ना, तो इसका जो अंदर कटिंग हुई हुई है, जो नॉनस्टिक पेंट हुआ हुआ है, ये ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आपने सिर्फ से प्रेस करना, और इस पर किसी भी किस्म की रफ यूजिंग नहीं करनी, या किसी भी किस्म की कोई कूची वगैरह जाली वगैरह नहीं मारनी कि जिसकी वजह से ये नॉनस्टिक का जो सेट है ये ख़राब हो जाए, ठीक है। इस वीडियो के लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, लिहाजा नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।